बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पर अपनी मरी हुई मां के साथ एक मासूम बच्चे का खेलते हुए वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। श्रमिक एक्सप्रेस में सवार होकर एक प्रवासी महिला अहमदाबाद से बिहार वापस लौट रही थी। कटिहार जिले की रहने वाली मृतक महिला की रास्ते में मौत हो गई, जिसकी लाश को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया। इस ट्रेन में बच्चे की भी मौत हुई। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ही मृत महिला और मृत बच्चे को भी उतार लिया गया था। ये दोनों मौतें अलग हैं। जिस बच्चे की मौत हुई वो 4 साल का था। बच्चा अपने परिवार वालों के साथ दिल्ली से आ रहा था, पश्चिमी चंपारण जाना था। रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई, लिहाजा इन्हें भी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया। ये दोनों वीडियो सोशल साइट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहा जाने लगा रास्ते में ठीक से खाना पानी नहीं मिला, भूख से इनकी मौत हो गई। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। वीडियो सच्चा होता है वो वायरल भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर सुनाई जा रही कहानी सही नहीं होती। महिला की मौत के पीछे की वजह क्या है, चलिए इस मृत महिला के बहन के पति से सुनते हैं। गुजरात से आ रहे थे। कहाँ से? गुजरात से। कौन कौन थे आप लोग साथ में? मेरा साली और मेरा घर वाले साथ थे। बच्चा? बच्चा जो को इसका मेरा साली का लड़का था और एक मेरा लड़का। जो मरी है वो आपकी कौन है? साली। कैसे मरी? ये ऐसे ही मरा है अचानक। कुछ बीमारी पहले से? बीमारी उमारी कुछ नहीं था। खाना वाना मिला था पूरा? खाना वाना सही मिला था, पानी का बोतल। किस चीज़ से मौत हुई? मतलब कोई शैतानी असर था, इसलिए हो गया। शैतानी असर का। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम ओजीर है। इनका नाम? इसका नाम है अर्जुना। इनके पति? इसके पति नहीं है, इसको छोड़ दिया। इस्लाम नाम है, इसको छोड़ दिया है। जाना कहाँ था आपको? हमको कटिहार जाना था, आजमनगर थाना। कौन कितने बजे उतरे हैं आप लोग? मैं यहाँ 3:30 बजे के करीब उतरा। सुबह में? शाम में? अभी शाम में। मौत कहाँ पे हुई, इनकी रास्ते में या यहाँ? रास्ते में हुआ है। 4 साल के बच्चे और इस महिला की मौत के पीछे की वजह पर भारतीय रेलवे ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। महिला का तो अहमदाबाद से मधुबनी ट्रेन जाती है, उसी ट्रेन से उभार रहा था। रास्ते में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और डेथ हो गया। पहले ही करीब 12 बजे 3:30 में यहाँ ट्रेन पहुँची तो ट्रेन से उतर गया। हम लोगों को सूचना मिली तो उसका जो भी कागजी प्रक्रिया है पूरा की। वो महिला पुरुष ही बीमार थी, मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जैसा कि उसका बहन मैंने बहन का हस्बैंड बताया। वो अपने बहन के यहाँ ही रहती थी गुजरात में, 8-10 महीना से वहाँ काम करता था मकान में छड़ बांधने का। लॉकडाउन के चलते जब दिक्कत हुई तो जा रहा था समय ट्रेन से। उसको डेड बॉडी उतारा गया है? डेड बॉडी उतारा गया है, उसका कागजी पर क्या था, उसके घर तक हम लोग गाड़ी से भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बच्चे का जो एक बच्चे का डेथ हुआ है, बच्चा तो दिल्ली से उसका परिवार सब आ रहा था, 5-7 आदमी था। उसका भी यहाँ पहले पटना जंक्शन आया किसी ट्रेन से, वहाँ से वो दानापुर गया, दानापुर से सीतामढ़ी जाने वाली ट्रेन से वो यहाँ आ करके उतरा। उतर के खबर किया कि हमारा बच्चा मर गया है। हम लोग जाकर के उसका जो कार्रवाई है प्रक्रिया की, तो उसका बता रहा था कि 1-1.5 साल पहले भी बहुत बीमार था, उसका इलाज उलाज कराए थे वहाँ लीलावती हॉस्पिटल में। तो दोनों डेड बॉडी मतलब बीमार ही था जो आ रहा था उसी में हुआ है। यहाँ का तो ट्रेन ही ट्रेन से आया और उसी में आगे पुलिस की कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई तो कागजी प्रक्रिया पूरी करके ADM साहब भी आए हुए थे, उन्होंने उसको ये किया है कि जो सरकारी अनुदान होगा सो उसको मिले। आप बच्चा को भेज दिया गया? तो भेज दिया गया। यानी कि ये साफ है कि इन दोनों की मौत की वजह भूख नहीं थी। सफर के बीच ट्रेन में खाना पीना उपलब्ध था। किसी भी वीडियो के सच्चाई को बिना जाने हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ना उस खबर को शेयर करके अफवाह फैलानी चाहिए। मुश्किल की घड़ी में सभी को समझदारी दिखाने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।